नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका भारत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बता देते हैं, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेके आए हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सूचना देखिएगा ध्यान से। सूचना पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती। जी हाँ भाई, कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है आप सभी के लिए। कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको जो बैचेस आपके, मैं आपको बता देता हूँ, सुबह मॉर्निंग में जो है 8 से 10, भाई 8 से 10 सुबह मॉर्निंग में, और रात में भी आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। भाई रात में भी आपके आपके पास यहां पर ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल भाई, 8 से 9 रात में, और सुबह ऑफलाइन बैच आपका 8 से 10। तो भाई सभी जितने भी युवा हैं, आप बिल्कुल यहां पर इस तैयारी में लग जाइए। और देखिएगा, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कब इसका एग्जाम होगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। देखिएगा, यहाँ पर पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की जो भर्ती है, यहाँ पर ये निकाल दी गई है। और सभी युवाओं के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है, मैं आपको बता देता हूँ। और देखिएगा, आगे अगर हम बात करें विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि जो है वो यहाँ पर 25/11/2020 है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि यहाँ पर 24/12/2020 है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परीक्षा की तिथि की, तो परीक्षा की तिथि है यहाँ पर 6/3/2021। तो आपके पास काफी टाइम है भाई, काफी टाइम है। यहां पर भाई बम्पर भर्ती है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं। यहां पर बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, मैं आपको बता देता हूं। काफी समय के बाद आपका जो इंतजार है वो पूरा हुआ है। यहां पर अगर हम बात करें पदों की संख्या की, तो टोटल 4000 पद हैं भाई, टोटल 4000 पद हैं, ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं। और आगे अगर अपन बात करें, यहाँ पर टोटल 4000 पदों का यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा, 138 जो हैं वो आपको रेडियो के पद हैं, और 138 जो हैं वो आपको आपके रेडियो के पद हैं, और 3862 जो हैं वो आपके अदर देन रेडियो हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें टोटल पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4000 है भाई, टोटल पदों की संख्या बिल्कुल 4000 है। तो बिल्कुल लग जाइए आप यहाँ पर तैयारी में, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है भाई, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आपको बता देते हैं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं भाई, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। किसी भी परेशानी में हो, बिल्कुल संघर्ष करते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत दूर दराज एरिया के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मेहनत करिए, ऑनलाइन बैच में कंटिन्यू बने रहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें ऑफलाइन बैच का, तो वो आपका 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है भाई। बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर वीडियो में बिल्कुल अंत तक आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ पूरी वैकेंसी के बारे में आपको बताया गया है। और आखिर में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पुरुष आवेदक जो हैं उनकी जो एज है वो 18 से 33 है, और महिला आवेदक जो हैं उनके लिए 18 से 38 तक के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और देखिएगा, आगे आप पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, और आगे की अपडेट्स जो हैं वो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अपनी तैयारी को बिल्कुल रोकना नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, 8 से 9 सुबह, 8 से 10 यहाँ पर सुबह आपके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आपका ऑनलाइन बैच जो है वो रात में 8 से 9 PM पर, ठीक है, ऑनलाइन बैच भारत एजुकेशन पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।